और सावन महीने में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। इनमें से कुछ कांवरिया ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन दिल में भक्ति और श्रद्धा के लिए 105 किलोमीटर की दूरी तय कर और हाथ के बल पे चलकर सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर जा रहे हैं, जिनका नाम राकेश है। और उन्होंने कहा कि वे बाबा धाम जा रहे हैं और हाथ के बल से चलते ही वही वे चलकर बाबा धाम जाएंगे और बाबा बैद्यनाथ पे गंगा जल को अर्पण करेंगे। भोला बाबा, भोले बाबा बेड़ा पार करेंगे, भोला बाबा बेड़ा पार करेंगे, भोले बाबा बेड़ा पार करेंगे, बोल 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 बोल। से आए हैं बारून थाना से, नाम है राकेश पासवान। इसके पहले भी बाबा धाम गए थे? हाँ, पहले नहीं आए थे, आज बार जा रहे हैं पैदल। एक बात बताइए, हाँ, कि दोनों पांव से विकलांग, जन्म से विकलांग ना? बीच में पोलियो मार दिया था, बीच में पोलियो मार दिया था, 10 साल के थे। तो भोलेनाथ के पास पहुँच जाइएगा? हाँ पहुँच जाएंगे, हाँ पूरा विश्वास है कि महादेव दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। कोई कष्ट नहीं होगा? कोई कष्ट नहीं, अभी ना हुआ है ना होगा, इतना आस्था है, एकदम भरोसा।